हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 20 सितंबर है और आज जो स्क्रिप्ट लेके आया था वो पर्सनल क्या से हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेके आया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर सभी लोग जानते हैं और आज तारीख जो था 20 सितंबर है 2020, और 18 सितंबर 2020 को जो क्लोजिंग हुआ 2098 के लेवल पे क्लोज हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें एक गिरावट देखते हुए मिल रही है और कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम भी इसमें जनरेट हो रही है। तो कहीं ये RSI डाइवर्जन, टेक्निकल में डाइवर्जन है, कहीं ना कहीं आप हाईली पी पे मिल रहा है, बहुत हाई पी पे मिल रहा है, तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं आपको नीचे जाता हुआ दिखे। और हो सकता है कमिंग डेज में ये पहला 2000 के आसपास, फिर 1800 और फिर 1400 या 1500 की ओर जाते हुए भी आपको देखे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। टेक्निकल पैटर्न में हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन भी है, MACD भी डाइवर्जन है, RSI भी डाइवर्जन है, तो एक अच्छा खासा वीकनेस दिख रहा है और हाई पी पे ये मौजूद है, हाई बुक वैल्यू पे मौजूद है। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें वॉचलिस्ट रखना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा व्यूज़ है। हो सकता है ये कमिंग डेज में आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर हम HUL की बात करें तो आप सभी जानते हैं इंडियाज लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG की कंपनी है, 80 साल से है। लेकिन इसकी स्टॉक प्राइस देखें, स्टॉक पी देखें तो 69.43 है, वह प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 64 पर है। अच्छी बात क्या है, डेब्ट जीरो है। उसके बाद आपको देखेंगे सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा तो नहीं है, फिर भी 6.26 है, डिविडेंड 1.19 के साथ है। तो कहीं ना कहीं खाली आप देखें तो ये एक इन्वेस्टर जो है खुद देखेंगे आप तो प्रमोटर जो है वो खुद बेच रहे हैं। रिसेंटली अभी FI ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने इसको 1.07 का बाई किया है और LIC ने बाई किया है 2.60। ये बाइंग आ रही है बट प्रमोटर खुद देखेंगे 67 से 61% मार्च से, यहाँ पे आप देखेंगे जून में तो 61% हो गया जो कि 67.18% था। तो प्रमोटर डाइल्यूट किया है अपने पोजीशन को। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो वन डे, वन वीक, वन मंथ देखें सब निगेटिव रिटर्न है। इनफैक्ट जहाँ तीन मंथ के देखे तो 1.60 रिटर्न है, जहाँ इंडेक्स ने आपको 13% का रिटर्न दिया है। एक यहाँ पे भी है एक इश्यूज है। और अगर हम देखने जाए इसके थोड़े से वीकनेस को भी देखें तो कहीं ना कहीं जो वीकनेस है वो आपको देखने को मिलेगा, नेगेटिव ब्रेकडाउन है जो कि स्टॉक इसके कंटिन्यू ये फॉल कर रहा है स्टॉक को। MACD क्रॉसओवर है, वीक मोमेंटम है, प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रही है, प्रमोटर डिक्रीजिंग द शेयर होल्डिंग, हाई वॉल्यूम टॉप लूजर्स, वॉल्यूम के साथ ये लॉस हो रहा है, वॉल्यूम के साथ इसमें सेल देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये वॉल्यूम और उसके साथ यहाँ सेल लोअर पे लोअर, और ये कहीं ना कहीं देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन भी है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉप लॉस लगाना है तो 2200 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, बट ये गिरेगा, गिरने का पूरा दावा रखता है। तो पहला हो सकता है कि आपको 2000 के आसपास एक बार सपोर्ट लेते हुए दिखे, बट वो लेगा नहीं, वो सीधा 1800 के आसपास जाएगा। 1800 पे शायद रुके नहीं, और रुकता है तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ से भी ये 1400-1500 के आसपास आपको जाते हुए दिखेगा और उस समय वापस इसके प्राइस एंड मोमेंटम को चेक कर लेंगे। अभी आप देखेंगे ये फॉल कर रहा है, ह्यूज वॉल्यूम के साथ यहाँ पे फॉल हुआ है। अगर यहीं पे देखें तो RSI में भी डाइवर्जन है, ये देखिए प्राइस एक्शन में इसको RSI में डाइवर्जन है, और कहीं ना कहीं MACD में भी देखेंगे तो देखिए ये क्रॉस ओवर हो रहा है। आपकी जो प्राइस एवरेज प्राइस है MACD की जो प्राइस है वो नीचे की ओर जा रही है। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ये नीचे की ओर जाते हुए दिख रही है, आपको ब्लू लाइन जो है वो नीचे की ओर जाते दिख रही है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में कहीं ना कहीं एक वीकनेस है, एक पैटर्न है फॉर्मेशन हुआ है जो नीचे का है, बेरिश पैटर्न फॉर्म हुआ है, और कहीं ना कहीं आप 1800-1500 का टारगेट इसमें देख सकते हैं। तो HUL पे कॉशियस व्यू है, कॉशियस व्यू रखते हुए आप इसमें बन सकते हैं। हाई PF आपको बताया, प्राइस अर्निंग जो है उसका हाई है तो 69.43 है, प्राइस टू जो बुक वैल्यू है वो भी बहुत अच्छा है, प्राइस टू कैश फ्लो 64 है, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है आपको 59.92 है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कैश फ्लो देखेंगे तो एक कोई ना कोई इसमें एटेंडम इनकम हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, अदरवाइज कैश फ्लो भी बहुत अच्छा नहीं है। कोई इन्वेस्टमेंट है जो इन्होंने सेल किया उससे जो पैसा आया हुआ है
वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। अदरवाइज को कैश फ्लो में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप 1800 ये निकालते हैं तो 700 करोड़ के आसपास यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप HUL पे टेक्निकली यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो 2200 के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप अगर ऊपर की ओर जाता है तो, और वॉच लिस्ट में रख सकते हैं शॉर्ट करके इसमें फ्यूचर बैठ सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक वीकनेस है, HUL पे वीकनेस देखने को आपको मिल सकता है। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा व्यू है। आप मार्केट देख के अपना व्यू, आप जो भी डिसीजन है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही लें।